नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर वीला जगदराय, एमडी होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ मेरे इस इंस्टाग्राम पे लाइव हूँ। आज दिनांक क्या ही रहा है, 22 जनवरी 2022 का ये 22 जनवरी का सेशन। वंडरफुल जॉइंट, धन्यवाद। हाय 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 वंडर स्काई, हेलो, नमस्ते उपासना पटेल मैडम, हेलो, नमस्कार, वेलकम। तो आज आप लोगों को सुबह नाश्ता कर लिया होगा, चाय हो गई होगी ऑफिस में जाने के बाद, अगर ऑफिस में या फिर घर पे होंगे तो घर पे चेक कीजिए। जीरो पॉइंट जीरो लाइन चल रही है, जिस दिन 0.40 के आगे जाएगी, 0.1 के आगे जाएगी, तब आप इस दिखना। और ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो है, जब ये 10 के ऊपर जाएगा, गुड मॉर्निंग सिद्धा मेहरा जी। तो 2 दिन पहले मेरे घर की जो घड़ी है, वॉल वॉच, वो 2 दिन पहले बंद गिरी मेरे घर की। तो इसका मतलब 5G यहाँ पे चालू हो गया है। 2 दिन से टेस्टिंग चालू, फुल फेस टेस्टिंग चालू हो चुकी है दोस्तों। और सबका मुझे कल फ़ोन आ रहे थे कि सर कैसे, क्या सर स्मॉल पॉक्स पेंडेमिक बनने वाला है क्या आफ्टर इंग्लैंड प्राइम रिमूवल ऑल रिस्ट्रिक्शंस। अब इंग्लैंड ने रिमूव किया है, US रिमूव कर रहा है, आयरलैंड रिमूव कर रहा है, स्विट्ज़रलैंड रिमूव कर रहा है। अब ये रिमूव करके ये लाने वाला है फुल फ्लेज 5G आएगा। तो जो लोगों को उन्होंने घरों के अंदर बंद करके रखा है, और जो आप लोगों को आदत लगाई है कि बाहर नहीं जाने का है, आपको ज़्यादा पब्लिक देखने की आदत नहीं रही है, यानी आपको, यानी मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उन देशों की, वहाँ पर बहुत कम पब्लिक है। पूरे लंदन में हार्डली गिन के 6 करोड़ लोग हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया में हार्डली 2 करोड़ लोग रहते हैं। ये फिर क्या होगा, इन लोगों को आदत नहीं रही है लोग दिखने की, तो लोग दिखेंगे नहीं, तो इनको लगेगा नॉर्मल है, लोग नहीं दिख रहे तो ये नॉर्मल चीज़ है, कौन सी बड़ी बात है। मगर जब 5G से लोग और जब ग्राफीन ऑक्साइड एक्टिव हो, जब ग्राफीन ऑक्साइड इसको एक्टिव करेगा और ये जब 5G के रेंज में आके मर्ज हो जाएंगे। मैं कल मुंबई, 2 दिन पहले मुंबई गया था मैं, वहाँ पे एक सो कॉल्ड एक्टिविस्ट मुझे मिला था, जिसने NRC में और SEA में विरोध किया था, प्रोटेस्ट में, उसने किसान आंदोलन में भी प्रोटेस्ट किया था, और वो मुझको बता रहा था कि तुम कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हो, यानी भाई तुमने जिस NRC के लिए तुम्हें देश निकाल देंगे, तुमको नागरिक नहीं रखा जाएगा, जिसके लिए तुम, हम लोग सरकार बैठे, तुम इमेजिनरी बात कर रहे हो और ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, तब तुम धरने पे बैठे हुए थे और उस चीज़ को हमने सपोर्ट किया कि हाँ NRC नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले जिस दिन बिल पास हुआ, शाम को मैंने मेरे फेसबुक लाइव पे जाके एक्सप्लेन किया था, शाम को इवन मैं घर जा रहा था तो कार में 8 बजे मैंने फिर से दूसरे दिन जब बोला कि नहीं नहीं ये CAB को उन्होंने CAA कर दिया था, तो मैं उस तब भी एक्सप्लेन किया था। तो इनका किस खुशी का, इन लोगों की सरकार बोल नहीं खुशी का जो अच्छे, तब मैंने उस दिन जब आया था बिल 23 अक्टूबर को आई थी, तो उसके नेक्स्ट डे 24 अक्टूबर को मैंने मेरे यूट्यूब पे लाइव उस पर 10 इस पॉइंट से मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरह से डेंजरस है, यानी हमने इन चीज़ों को एक्सपोज किया। उसके बाद भी तुमने आंदोलन किए, तो तुम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं हो, तुम आंदोलन करते हो। और हमने 5G का, GMO का और ये का जो है साइड इफेक्ट बताया, तो हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बन गए। वाह रे वाह, क्या दुनिया है। जब तेरा बेटा था ना, एक तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता है, क्या बात है।
ऊपर से मैं तो जिंदा हूँ, कहाँ मर गया मैं तो कहा ना भाई, ग्राफीन ऑक्साइड और 5G आने दे रहे हैं वे, जिन्होंने लिया है उनका हर महीने 5%, और जिन्होंने लिए है उनका हर हफ्ते 5%, इम्यूनिटी लो हो रही है जिनके बॉडी वो आर्टिफिशियल आपके बॉडी में जाके आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डैमेज कर रहा है, हर हफ्ते आपकी इम्यूनिटी 5%, उनका हर 3 दिन में उनकी इम्यूनिटी 5% से लो होगी। अब मैं एक्सप्लेन किया था जिन्होंने इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी क्या है, मेरे इम्यूनिटी भी मेरे वीडियो था, व्हाट इज इम्यूनिटी, आप जाके देख लीजिए पुराना। तो पिछले साल जब नया नया चला हुआ था सब धिंगाना, तो मैंने अप्रैल के स्टार्टिंग में व्हाट इज इम्यूनिटी एक्सप्लेन किया था। तो ये इम्यूनिटी जो है, ये इम्यूनिटी आपकी हर हफ्ते 5% से लो हो रही है, और जिन्होंने एक लिया है, दो तीन ले, उनकी हर 3 दिन में इम्यूनिटी 5% से लो होगी। ये डाटा आया है, मेरे दिल से नहीं कह रहा हूँ मैं, ये डाटा आया है जर्मन साइंटिस्ट ने, ब्रिटेन साइंटिस्ट ने दिया है ये। तो वो मैंने ट्वीट भी किया था तब, और इंस्टा मेरे टेलीग्राम पे भी डाला था मैंने, 4 दिन पहले एक वीडियो डाला था, 2 या 3 हफ्ते पहले, तो ये चीजें जो है इसको आप समझिए, ये आपकी इम्यूनिटी डैमेज कर रहे हैं। इम्यूनिटी जब तक है, अगर इम्यूनिटी लो हो जाएगी तो उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं, वो होने के चांसेस रहते हैं। अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में क्या आता है, उसमें आता है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें आता है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, जिसमें बदन पे फोड़े आते हैं, फुंसी आती है। अभी किसी ने तो भी कहा कि सर चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी आने वाली है क्या, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स नहीं, उसे सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस जो है SLE, गूगल सर्च कर लीजिए। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको 2 साल से बता रहा हूँ ये चीज़ें होने वाली है, ये चीज़ आने वाली है, ये होगा। लोग कहते कहाँ होगा, कैसे होगा, अब कल इसका ICMR के गाइडलाइन आए हैं, और उस पर एक वीडियो आया था ABP माधापुर पे, इंटरव्यू था, मैंने वो शेयर किया है, मैंने ट्वीट भी किया है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला है, और जो मेरे जिनसे मैं मिलने गया था मुंबई में, नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, तो उनको मैंने भी उनके व्हाट्सएप पे भेजा है, उन्होंने उनको मैंने भेजा और उनको कहा तुम्हारा जो दोस्त था ना उसको ये वीडियो दिखाइए कि भारत सरकार ने, आवाज़ आ रही मेरी ओके, क्लियर आवाज़ है ना, क्योंकि मैं आप जो बोलने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेलेना गोमेज इज ऑल्सो थ्रू लूपस, शी डिड रीनल ट्रांसप्लांट टू। ओके, सेलेना गोमेज का सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस होने की वजह से रीनल फेल्योर में गई थी और रीनल ट्रांसप्लांट करना पड़ा। अभी डॉक्टर उग्रदो, सॉरी ऊपर चला गया था, उन्होंने भी कॉमेंट किया, मुझे नहीं पता था। तो दोस्तों जिनका में उनको ही वो जो है हो रही है आर्टिफिशियली, उन लोगों को अगर 15 दिन में खांसी नहीं रुकी, ध्यान से सुनिए, 15 दिनों में अगर उनकी सूखी खांसी नहीं रुकी तो सरकार ICMR को, जो भारत सरकार को सजा देती है, और वो अभी भारत को बता रही है अगर आपकी 15 दिन में खांसी नहीं रुकी तो आपको TB की टेस्ट जाके करानी पड़ेगी, आपको चेस्ट एक्सरे निकालना पड़ेगा, तब आपके जो लंग्स के नोड है, लिम्फ नोड्स, यहाँ पे वो ट्यूबरकुलोसिस के पैचेस जो है वो दिखेंगे, लिम्फ नोड दिखेंगे, समझे मैं क्या बता रहा था आपको। एक साल पहले 16 जनवरी 2021 हुआ, मैंने कहा था हुआ है उनकी 5% मंथली, उनकी 5% वीकली। तो अब बराबर देखो, आज है 20 जनवरी 2022, 1 साल कंप्लीट हुआ है, यानी हर हफ्ते के अगर आप 4 हफ्ते भी पकड़ो तो आपके जो है इम्यूनिटी 5% के हिसाब से अगर पकड़ते हो तो 1 साल में 12 महीने, और आपके मैंने कहा था कम से कम 5%, यानी 12 × 10 20
आपको कम से कम जो है वो 4 साल लगने वाले थे इम्यूनिटी रिड्यूस करने के लिए, मगर 45% से आपके लगभग 25 से 30 हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी पूरी जीरो हो जाती है। आप बराबर हो चुके हैं आपको 48 हफ्ते और जो है 28 दिन बाद था, यानी आज से 4 हफ्ते बाद जो है वो 2 साल कंप्लीट हो, 1 साल कंप्लीट होगा, यानी फरवरी महीने के एंड में आप लोगों की इम्यूनिटी पूरी की पूरी जीरो होने वाली है। उनकी पूरी की पूरी इम्यूनिटी जो है वो अंडा होने वाली है, वो अंडा जो है वो अंडा फोड़िए, फिर उसमें से ट्यूबरकुलोसिस निकलेगा, उसमें से सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटस निकलेगा, उसमें से रूमेटॉइड आर्थराइटिस निकलेगा, उसमें से HIV एड्स, V8 जिसे कहा जाता है, हमने इसको नया नाम दिया है डॉक्टर्स लोगों ने, जो भी हम डॉक्टर्स आए जो जगा रहे लोगों को उन्होंने इसको नया नाम दिया है, उसका नाम है V8। वी यानी आपको पता उसका V और जो बचा हुआ एड्स। एड्स इज नॉट अ डिसीज, इट्स अ कंडीशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सिंड्रोम। जो आप कहते ना कि BRCA कहते कि एड्स कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ कंडीशन। थायराइड हुआ आपको तो थायराइड की गोली चालू हुई, बीमारी नहीं है। आपको शुगर हो गई तो ये बीमारी नहीं है। जैसे आपके टाइफाइड, आपका न्यूमोनिया, आपको चिकन पॉक्स हो गया, आपको चिकनगुनिया हो गया, तो ये जो कंडीशन है ना, इट्स अ डिसीज, ये बैक्टीरियल वायरल से आता है। ये जो है थायराइड, डायबिटीज, ये आपका अभी जो मैं नाम लिया था, क्या नाम लिया था, एक्चुअली कॉमेंट आ जाता ना, मैं भूल जाता हूँ उसके अंदर क्या कमेंट किया क्या आया था। ये जो एड्स, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्यूट, सॉरी यार फिर से भूल गया मैं, तो एड्स ये सिंड्रोम है, तो ये कंडीशन है ये जिसमें आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। एड्स का वायरस रियल में होता है सीमियन वायरस 40, SV40 जिसे कहा जाता है, SV40। ये जो है ये वायरस जो है वो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV का जो है एक्चुअली वो SV40 वायरस है, उसको उन्होंने लोगों को मिसगाइड करने के लिए उन्होंने उसका नाम चेंज करके HIV रखा हुआ है। वो एक्चुअल में सीमियन वायरस 40 है जो एड्स दे सकता है। इन्होंने हर चीज को मैनिपुलेट करके रखा है। डॉक्टर फौसी ही था जिसने एड्स की ट्रीटमेंट 1962 में पहले डिक्लेयर की थी, वही फौसी जो आज आगे ट्रीटमेंट को डिक्टेट कर रहा है। तो ये बात को समझिए आप, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ। और लोग कहते हैं सर आप रस्तों पर क्यों नहीं आते, क्योंकि जो मुझे पता है, जो मैं बताता हूँ, वो और कोई नहीं जानता है भारत में। मैं नाम लेके बोलता हूँ और उनको बुरा भी लगेगा तो भी चलेगा, मगर उन्होंने बोलिए कि सर जो मैं बताया है, जो मैंने आज बताया है, प्रेग्नेंट लेडीज में ऑटोमेटिक HIV होता नहीं, ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है, हाँ है अभी का तो हो सकता है ऑटोमेटिक। मैंने कहा ना जिन है और जिनके अब 2 साल कंप्लीट हो गए फरवरी में, उन लोगों ने जाके जैसे आपने एंटीजन टेस्टिंग किया है ना, ब्लड निकाल के एंटीजन टेस्टिंग किया है, आपको महामारी होके गई है क्या देखने के लिए, तो जाइए और अपने सैंपल दे के एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यस मैं भूल गया था, बात इतनी बातें चलती है दिमाग में, ऊपर से कोई कॉमेंट कर देता है तो मेरा दिमाग और कहीं चला जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है ये, ये सिंड्रोम कहते हैं इसे, तो सिंड्रोम इट्स कंडीशन। आपकी इम्यूनिटी जब लो हो जाएगी तब उसको बढ़ा सकते हो। आप कभी मैं बोलता हूँ ना, BRCA को साहब को पता है ना, तरुण गुरे साहब को पता है ना, डॉक्टर बल्ला राजू को पता है ना, गुलेरस अपने मानी सर को पता था ना, इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होगा अगर मैं नहीं बताया ना तो किसी को नहीं पता चलेगा। और मैंने कहा था, मैं तब नहीं बता रहा था कि मैंने क्यों स्टेटमेंट दिया था, 31 दिसंबर 2021 का सूर्यास्त जो देखेगा वही 1 जनवरी 2022 का
सूर्योदय देखेगा, ये मैंने जो स्टेटमेंट दिया था, जिनको लग रहा है कि दिया मैं बच गया, नहीं भाई साहब, आपने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया है टीबी के लिए, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, जिसमें बदन की फुंसी आती है, फोड़े आते हैं। अब ये क्या बोलेंगे, देखो नई महामारी आई, नई महामारी आई, ये चिकन पॉक्स आया, ये मीजल्स आया, या फिर ये कोई और नाम देंगे उस आने वाले जो रैशेस है बॉडी पे, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस को। गेम समझिए, आप मैंने आपको पूरा गेम समझा दिया है, गेम किस तरह से खेला जाने वाला है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको गेम बताया है। जिनको लग रहा है मैं बच गया, तुम बचे नहीं हो, तुमने रजिस्ट्रेशन किया है। और मैं पिछले साल से जो मुझसे जड़े हैं उनको पता होगा, मैंने पिछले साल कहा था मैं रहा हूँ मार्च अप्रैल महीने में, जब मैंने बताया था कि मैं नहीं डरा हूं, मैं डरा हूं टीबी से। भारत में 83 लाख, तब की बात कर रहा हूं मैं, मार्च 2020 का जो डाटा था, तब मैंने बताया था कि 83 लाख केसेस, एक्टिव केसेस, जिन केसेस मतलब ये महामारी के नाक में डाल के आरटीपीसीआर आने वाले केसेस नहीं, जिनका स्पूटम यानी बलगम चेक करके, जिनका एक्सरे निकाल के चेक करके और ऑनटॉक्स टेस्ट कंफर्म करके कंफर्म किया गया है कि इन लोगों को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ये एक्टिव केसेस है। ये डॉक्टर लोगों को मैं बता रहा था, तब भी समझा रहा था, ये आप इस चीज़ को हल्के भी ले रहे हो, मगर इसका है ना बम फूटने वाला है। ट्यूबरकुलोसिस के एक्टिव 83 लाख केसेस जो है, उसमें से 20 लाख केसेस मिसिंग है, समझे इस बात को। यानी ये लोगों को हर महीने जाके आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में से इनको ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर उसने ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन अगर 3 महीने भर लेके छोड़ दी, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस पैदा होता है, जो भी किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है। आप समझ रहे क्या मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? ये ट्यूबरकुलोसिस के 20 लाख लोगों ने जाके अपनी मेडिसिन गए 2 साल से ली नहीं है। और ये जो महामारी थी, जो कह रहे थे कि 1% से 15 लोगों को फैलता है, ये जो वायरस जो बता रहे थे हवा में स्प्रेड होता है, ये 1% से 15 लोगों को होता है, मगर ट्यूबरकुलोसिस जो है वो 1% से 35 से 40 लोगों तक, अगर वो रजिस्टर्ड ट्यूबरकुलोसिस है तो 40 से भी ज्यादा लोगों को, एक आदमी 40 से भी ज्यादा लोगों को पर डे इन्फेक्ट कर सकता है। और ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ छाती की बीमारी नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस का अगर वो बैक्टीरिया आपके ब्रेन में गया, आपके लंग्स में आया, आपके पेट में चला गया, आपके बोन्स पे आ गया, तो आपको ब्रेन का ट्यूबरकुलोसिस, आपका लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस, आपको इंटेस्टाइन का ट्यूबरकुलोसिस, आपका बोन्स का ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अब सरकार लोगों को बता रही है कि जिनको ये हुआ था उन्होंने टीबी की टेस्ट करनी चाहिए। हल्के मजाक लग रहा है टीबी की टेस्ट करना, मेरे बदन पे कांटे आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बता रहा हूं, मेरे बदन पे जो है काट सहारे आ रही से चील सा रही मेरे बदन पे। ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट अ जोक, ट्यूबरकुलोसिस मजाक नहीं है। इन लोगों ने जो डॉक्टर लोगों ने खेला है ना खेल, हाँ, अब आने वाली है लेके बाद में इनकी इम्यूनिटी जो जीरो होने वाली है, जो थैनोस में दिखाया था ना चुटकी में मर गए, 5G आने दो, ये जीएमओ ग्राफीन ऑक्साइड के साथ में आने दो और इनकी इम्यूनिटी अगले महीने से जब जीरो हो जाएगी, लिटरली अपने आजू बाजू के आपके जान पहचान के लोग कितने मरेंगे हमें नहीं पता। और ये सब सक्सेस हो चुका है, इसलिए इन्होंने सब लॉकडाउन उठा दिए हैं, इन्होंने सब प्रिकॉशन जो थे रिस्ट्रिक्शंस पूरे देशों के उठ रहे हैं, भारत के अब 2 महीने बाद उठेंगे, मेरे से लिख के ले लीजिए, 2 महीने बाद भारत भी ये सब कुछ बंद करेगा। क्यों 2 महीने? क्योंकि अब इनको 2 महीने के अंदर जो बचा हुआ अपना
यूथ है 12 साल के 15 साल के नीचे का. इवन आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट ऑफिशियली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर उगदीस क्या नाम आपका नाम बहुत हार्ड है. तो मैं ये डॉक्टर उगदय सिंह जी ये मैंने 2 साल पहले बताया था कि इन लोगों की इम्यूनिटी डैमेज होगी, इनको HIV भी हो सकता है, इनकी SL भी हो सकता है. तो इन चीजों को लोग तब मजाक में उड़ा रहे थे. मैं तो जिंदा हूँ मैंने कहा था फ्लैट अंदर कर्व कर्व का फ्लैट होगा जो 5G के जीवों के साथ ये होगा इंटर तो ये फ्लैट हो जाएगा कर्व. और उसमें बीच में जो बच गए तो उनको भी बीमारियां लगा देने की दुनिया भर की. क्या क्या बीमारियां? TB, SLE और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. खाओ दुनिया भर की टैबलेट, पहली डिविडेंट डैमेज है और हायर एंटीबायोटिक और हायर स्टीरॉइड्स और हायर रेजिस्टेंस पावर मेडिसिन, इम्यूनिटी डैमेज हो जाएगी. अब इनको जो 12 साल 15 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, जो 30 करोड़ जो बची है पॉपुलेशन अपनी जिनको एक भी डोज नहीं लगा है, mRNA का माँ जो है प्रसाद अब तक नहीं मिला है, ऐसे 30 करोड़ जो है 15 साल के नीचे के, 2 महीने स्कूल खोलेंगे, दो महीने पहली से ले फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक ये स्कूल खोलेंगे. जैसे इन्होंने अभी स्कूल खोले थे 1 महीने के लिए और महीने भर स्कूल खोल के इन्होंने बच्चों को 15 साल के ऊपर के बच्चों को दिया. अब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक जो भी बच्चे 12 साल के 15 साल के और 6 साल से लेके, अब इनका टारगेट क्या है, 6 साल से लेके 15 साल के जो बच्चे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक, इनको स्कूल बुलाएंगे. घर पे आप सकते हैं ना, किस किस के घर पे जाएंगे तो इससे अच्छा बेटर है स्कूल खोल दो, बच्चे खुद होके स्कूल में आएंगे, इनको प्रसाद दे दो, ये प्रसाद खाएंगे. बाप तो जाने वाला है, मां भी जाने वाली है जिन्होंने दिए दो दो. मैंने आपको कहा हम जो पेरेंटिंग सोसाइटी में थे यहां पे आपको आपके मां बाप ने बड़ा किया, आपने आपके बच्चों को बड़ा किया, अब ये आपको लेके जा रहे हैं डिस्टोपियन सोसाइटी. समझ रहे आपको ये डिस्टोपियन सोसाइटी, यहाँ पे माँ बाप नहीं रहने वाले हैं, गवर्नमेंट बच्चों को संभालेगी. 4,500 फैमिलीज ऐसी है, महाराष्ट्र की बात कर रहा मैं, 4,500 फैमिली ऐसी है जिनकी माँ बाप दोनों मर गए हैं, ऐसे 4,500 बच्चों को गवर्नमेंट संभाल रही है अनाथाश्रम में. बात कर रहा हूं आपसे, मेरे को दिल की खुशी से नहीं बोल रहा, ये सब समझा रहा हूं मैं आपको क्या आने वाला है. जिन्होंने दो बैठे हैं, नहीं लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने नहीं, फुल ओपनली बोलता नहीं लिया है सर. हमें भी सारा टाइम एलेक्स जोन्स इन्फोवार्स सुनते हैं और आपकी बात से सहमत, मैं आप सहमति के लिए नहीं आया यहाँ पे बोल रहा हूँ. एलेक्स जोन्स कोर्ट में नहीं गया है भरने के लिए, मेरे 5-5 याचिका जाके पड़ी हुई है कोर्ट में. मैं वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए डालता हूँ और मेरी बात तो सहमत होने के लिए नहीं होता, फाटे पे मारता हूँ, हक बोलता है यहाँ से मेरी सहमत नहीं मेरे पास. तो उस दिन मैं मुंबई गया था तो वो बंदा मेरे से बोल रहा था मैं आपके बातों के लिए मुझे कन्विंस करो, बोला कन्विंस करने की जरूरत नहीं मुझे, भाग बोला यहाँ से. मैं तेरे रिक्वेस्ट पे नहीं आया हूँ, मैं जिसके आदमी के रिक्वेस्ट पे आया हूँ मैं उनसे बात करने के लिए आया हूँ. उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि फाइल बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट, तो मैं गया था. किसी को कन्विंस करने के लिए वीडियो नहीं है मेरे, मैं बोलता हूँ तुम्हारा कन्विंस करने का टाइम खत्म हो चुका है, तुमने अब जाके हॉस्पिटल में एड्स के लिए TB के लिए सिस्टेमिक लूपस इरिथेमैटस इट्स नॉट ओनली डिसीज, ये कंडीशन है, इस पे आपके आंखों को ऐसे ही हो सकता है, आपके जबान को ऐसे ही हो सकता है, आपके लंग्स को ऐसे ही हो सकता है, आपके बोन्स को, आपके सॉफ्ट टिश्यूज को, आपको स्किन के, आपके किडनीज को, आपके लीवर को, आपके स्प्लीन को, आपके पैंक्रियाज को सिस्टेमिक लूपस इरिथेमैटस हो सकता है. और ये ऐसी कंडीशन है जिसमें अल्सर्स होते हैं बॉडी पे, यानी जहाँ पे भी जाएगा जिसको भी होगा उस चीज़ को अल्सर रहेगा, ससेप्टिक कंडीशन. तो ये SLE जो है ये मजाक नहीं है, ना कि ट्यूबरकुलोसिस ऑफ रेजिस्टेंस बैक्टीरियम.
सर अमर ज्योति बंद कर दी है। यस, ये अभी जो बड़े बड़े जो सेंटर्स है जहाँ पे लोगों के नजर जाती है, ध्यान जाता है, लोग वहाँ पे गैदरिंग होती है, उन चीज़ों को सब कुछ क्लोज करके एक जगह पे रखेंगे और उसको हाईली सिक्योर्ड करेंगे, जिस तरह से व्हाइट हाउस सिक्योर किया हुआ है। सर मेरे स्कूल में सर्टिफिकेट मांगा है, रहे हैं, क्या करें? मत जाओ स्कूलों में, बोलना मैं घर पे बैठूंगा, आप वहाँ पे बैठे हो, वहाँ पे ऑनलाइन जो भी सिखा रहे हो वो मुझे मोबाइल पे मेरे आना चाहिए। जैसे तीन से आ रहा था दो साल से, मत भेजो बच्चों को स्कूलों में, मैं नहीं भेज रहा हूँ। ये आपके बच्चों को स्कूलों में जाकर करो, मैं मेरे बच्चों को नहीं भेजने वाला हूँ। फिजिकल रिलेशनशिप में अनवैक्सीनेटेड पीपल का कोई खतरा है क्या? कोई खतरा नहीं है। हाँ, लिए है, इनकी इम्यूनिटी जब जीरो हो जाएगी, जब इनको एड्स हो जाएगा तो वी डोंट नो। अब तक तो कोई नहीं था। ये गवर्नमेंट अब मान रही है, जो मैं दो सालों से बता रहा था ये आज मान रही है। आईसीएमआर ने गाइडलाइन दिए है, मैंने ट्वीट किया है, जाके किसी को कंफर्म नहीं होगा तो जाके मेरा ट्वीट देख लीजिए। ये सब आप दो सालों से बता रहे थे लेकिन लोगों को ब्रेन वॉश हो गया था। इट्स हर्षद, मैं क्या करूं यार। सर एलियन कब आएंगे? बस टाइम आ चुका है दोस्तों, दो महीने, दो से तीन महीने। लोग कह रहे सर कब आएगा वक्त, मुझे बताइए, आ गया है वक्त, इट्स टाइम नाउ। दो से तीन महीने, जिस दिन भारत कर लेगा, जिस दिन भारत 5-6 साल के बच्चों तक का जाएगा, जिस बचे सिर्फ बीच के 2 से 4 करोड़ बच्चे जो 1 साल से लेकर 5 साल के है। सर यूके में मास्क फ्री हो गया? यस, यूके में हुआ है, कई जगह पे हुआ है। मेरे को बच्चे होंगे, माफ नहीं होंगे। 2 साल 2% से फर्टिलिटी रेशियो भारत की गिर गई है। हाउ टू सर्वाइव, दैट इज द बिग कंडीशन। अब आने वाला है पर्ज, अब होगा सिविल रायट्स, अब आएगी मिलिट्री रस्तों पे अगले साल भर में। सर पोर्टल्स का बारे में बताया के बाद पता नहीं क्या सर, बहुत फास्ट आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आयरलैंड ने सारे मैंडेट्स हटा दिए। यस, मैंने कहा डाली पोस्ट आपको। तो जो जागेगा वही बचेगा, जो मैंने स्टेटमेंट दिया था मेरा, आज भी वही स्टेटमेंट है। जो जागा था, जिस जो बच गया है, जिसने नहीं लिया है वही बचा है। जो 5G से बचने के लिए अपने अपने बच्चों को घरों को लेके जाएगा, जब ये चालू होगा, जो मैंने दिखाया मशीन, जब वो चालू होगा तो सिटी से जो बाहर जाएगा वही बचेगा। इट्स नॉट अ जोक। जिन लोगों को मेरे पास आते थे, 90% लोग मेरे पास एंटरटेनमेंट के लिए आते थे। सर कर्नाटका में वीकेंड कैंसिल हो किया गया है, मैंने कहा सब कुछ बंद होगा, दस फ्यूचर करियर ऑप्शन क्या होगा हमारे लिए? जान बच गई, 2 टाइम का खाना मिला, बहुत बड़ी बात है। करियर वीरियर के बारे में छोड़ दो। इफ़ वी रन फ्रॉम द मेट्रोपोलिस सिटीज वी विल सेव। यस, जब आप मेट्रोपोलिस सिटीज से बाहर निकलोगे तभी बच पाओगे। जय भीम दादा। सर थोड़े सर रोड पर आर्मी आके क्या करेगी? ऑस्ट्रेलिया में जाके देख ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस, क्या करेगी ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए। सर इतने सारे लोग विरोध भी तो करते हैं, उसका असर होगा क्या? नहीं, कहाँ कर रहे, कितने लोग विरोध कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है। भारत में, भारत की बात कर रहा हूँ, वहां के लोग होशियार है, वो बच जाएंगे, यहाँ कोई नहीं कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए। मुझे, मैं कहता हूँ मेरा कंटेंट नहीं है, भले मैंने दिया है आपको, मैंने आपको दिया है कंटेंट, मैंने आपको बताई इन्फॉर्मेशन, मगर ये नहीं कहता हूँ कि मेरा कंटेंट है और मैं इसके कॉपीराइट रखता हूँ। जाइए डॉक्टर का उपाध्याय रिक्वेस्ट क्या यार, बहुत फास्ट मैसेज थे, सॉरी सर। सुप्रीम कोर्ट को बोल रही है कि जबरदस्ती नहीं लगा सकते। सर होल आर्मी गेट्स नॉलेज अबाउट व्हाट द कंडीशन, कोई नहीं, भारतीय आर्मी कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं करती भारतीय आर्मी। सर चाइना लद्दाख टेक ओवर कर रहा है,
चाइना पूरा भारत टेक ओवर कर लेगा मगर हम कुछ नहीं करेंगे, चाइना के पास रोबोटिक मिलिट्री है, क्या करेगी वो 2000 मिलिट्री के सामने? आप पूरी बटालियन खड़ी कर दो, पूरी की पूरी बटालियन खड़ी कर दो आप एक मिलिट्री आर्मी रोबोटिक ट्रुप के सामने। अरे आपका आदमी गोली लगने के बाद गिरेगा, उनका आदमी गोली लगने के बाद टूं करेगा, क्या बनेगा टूं जैसे लगती है स्टील को गोली, वो नहीं मारने वाले हैं हम ही। मैं 2 साल से बता रहा हूँ भारत सरकार को, आप कर क्या रहे हो? आप ये हिंदू मुस्लिम का नाटक कर रहे हो, ये यूपी इलेक्शन पंजाब इलेक्शन, यूपी वालों को मेरी रिक्वेस्ट है, पंजाब वालों को मेरी रिक्वेस्ट है, कांग्रेस को जिताइए, मैं बात रखूंगा कांग्रेस के सामने। क्योंकि एक ही रास्ता है, सेकंड पार्टी जो बीजेपी से स्ट्रांग है उसको सत्ता में लाके उनके लोगों को हम पकड़ सकते हैं। चाहे कांग्रेस के लोग थोड़े शर्मी, थोड़े उनकी लाज लज्जा है उनके पास, मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है तो मुझे पता है कि भाई उनको बोला जाए ना तो उनको शर्म आती है। ये निर्लज लोग हैं पंजाब जो है ना बीजेपी वाले, पंजाब वालों, गोवा वालों, यूपी वालों, कांग्रेस पार्टी को दीजिए, कांग्रेस पार्टी जो है लाज शर्म रखती है, इसलिए उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पहले सपोर्ट नहीं किया। छोटी मोटी चीज़ें की उन्होंने, मगर इस तरह से पूरा नोटबंदी, GST 100% FDA ये चीज़ें नहीं, उनको शर्म है थोड़ी है, और हम बोल सकते उनके लोग कुछ रखते हैं शर्म। हाउ कैन कांग्रेस सेव अस, वो लोग रखते हैं शर्म, उनको आप जाके बोलोगे ना उनके MLAs को और MPs को तो वो बात मानते हैं। अटैक इन चिल्ड्रंस आ रहा है, बोला था आपको बच्चों पे अटैक आएंगे, इसके पहले कभी 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए खून पतला करने की दवा मार्केट में नहीं थी। FDA की परमिशन मिली इनको, कहाँ से आई FDA को परमिशन? आज तक कभी 18 साल के बच्चों का खून पतला करने की दवा मार्केट में नहीं थी। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आज लगभग 13 साल हो चुके हैं, 2008 का पास आउट है मेरा, आज मेरे 12-13 साल हुए मेरे प्रैक्टिस को, खुद के क्लिनिक को, और उसके पहले मैं 4 साल प्रैक्टिस करता था सेकंड ईयर से। इस चीज को आप समझिए, मैंने आज तक कुछ चीज देखी नहीं थी। सीनियर डॉक्टर्स होंगे, किसको ही पूछ लीजिए, आज तक पता नहीं था बच्चों में खून पतला होने की दवाई। तो इसलिए कांग्रेस वाले में थोड़े शर्मीले हैं, उनको बोला जाए ना तो सुनते हैं, उनको शर्म लगती है। निम्बर ट्रायल चल रहे हैं, वो हो गए, क्लॉफ शॉबेज इंटरप्रेटेड मोदी स्पीच, क्लॉफ शॉप शॉप शॉबेज शॉबेज शॉब, ऐसे कुछ तो बोला था मोदी साहब ने, ये याद है। उसने करवाया था वो दंगा, यस पटेल मैडम को पता है गुजरात की हो, हमने तो इसे पेपर में पढ़े थे, न्यूज़ में सुने थे, गुजरात में जो थे उन्होंने देखे थे। तो जाने दीजिए, जो जागेगा वही बचेगा। सर क्या सर्टिफिकेट बनवाने तो आधार कार्ड से कनेक्ट होगा? यस होगा वो सर, प्लीज मेक अ ग्रुप, योर वॉइस नीड्स टू स्ट्रांग एंड रिच मिलियंस एंड मोर टू प्रीमियम प्रीमियम्स जी। हम सब एक साथ ही है, तरुण सर हो गए, BRC हो गए, योहान हो गया, तो एक ही साथ ही है। BJP गेंडे चा कातरीचे आहे, यस। उस दिन मैं मीटिंग में था मुंबई में, 4.5-4.5 घंटे मीटिंग चली, वो उसका इम्पैक्ट यूपी में आपको मिलेगा, मेरे वो जो मीटिंग हुई थी। मैं ऐसे बोला, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करता हूँ मैं, जो चलता है मेरा काम कोर्ट्स लेवल्स और बड़े उनके साथ में बात, जहाँ पे मास इम्पैक्ट गिरता है। इसलिए जागिए, जगाइए, वीडियोज आप कन्विंस नहीं कर पा रहे होंगे लोगों, तो ये वीडियो दिखाइए, मेरा ट्वीट है वहाँ पे, मैंने वो डाला है डॉक्यूमेंट जहाँ पे ICMR ने दिया है कि आपकी भी वो की टेस्ट करनी चाहिए, कुछ दिन बाद बोलेगी एड्स की भी करनी चाहिए, तो शॉक मत होइए। जो मेरे साथ जुड़ा है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है BRC साहब को बेल मिल चुकी है, मुझे नहीं पता, नहीं था कनेक्टेड। पावर कंत्री जी धन्यवाद 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 एटीट्यूड जी, सर वी कैन होप दैट वी विल सर्वाइव नेक्स्ट टिल पोल। ऊपर वाले को दुआ कीजिए और साथ में कनेक्टेड रहिए। 5G का पिटिशन हमारा जा चुका है, उसको नंबर गिरेगा तो उस दिन हमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे 2 लाख रुपए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
मेरा डॉक्टर विलास जगदाड़े SBI अकाउंट नंबर 3039391711 है, SBIN00107911 IFC कोड है, और +9190962898202 ये मेरा गूगल पे नंबर है। तो इसके लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। हम 5G की पिटीशन को डिपॉजिट करते वक्त और फ्लाइट डिस्टर्ब होते हैं, मैंने आपको बताया था, मैंने पहले आपको 2 साल से बता रहा हूँ, जब ये फ्लाइट्स के इंजन, इतने बड़े बड़े इंजन हैं फ्लाइट्स के, उनको इम्पैक्ट कर सकते हैं, तुम्हारे बॉडी पे नहीं कर सकता है क्या? तो इम्पैक्ट होता है, उसी को रेडिएशन न्यूमोनिया कहता है, उसी पे इम्पैक्ट होता है तो लोग आत्महत्या करते हैं, उसी इम्पैक्ट होता है लोग खून करते हैं, तो ये होता है इम्पैक्ट, इरिटेबिलिटी होती है। और इसके लिए वजह से जो बोल रहे हैं क्या रोड बनाए हैं, प्लेन उतर रहा है उसके ऊपर, प्लेन उतर रहा है, मिलिट्री के प्लेन उतर रहे हैं, अरे भाई साहब, जब मिलिट्री का प्लेन, बोइंग या फिर ह्यूमन जिसमें पैसेंजर है, वो प्लेन का इंजन बंद गिर जाएगा हवा में, तो उसको उतारना पड़ेगा ना, कहाँ उतारेंगे? तो बड़े बड़े रस्ते इसलिए बनाए हैं जिसपे एरोप्लेन उतर पाएंगे। अब ये जो 5G से आएंगे, और मैंने कहा था और कुछ होगा, जब मिलिट्री उतरेगी अगर हिमाचल में, अगर एलियन स्पेसशिप दिख गई और उसको यहाँ पे पूना से फ्लाइट भेजनी है तो वहाँ पे चाहिए ना जगह उतरने के लिए, या फिर यहाँ बैंगलोर में अगर एलियंस दिख गए तो पुणे से वहाँ पे मिलिट्री भेजनी है तो वहाँ पे चाहिए ना रोड बेस। तो समझिए, खेल के पीछे का ड्रामा बहुत बड़ा रहता है, आपके सामने से पिक्चर आता है, गेम बहुत बड़ा रहता है। इसलिए जो जागेगा, जो कनेक्ट रहेगा हमारे साथ, उसको अपडेट मिलते रहेंगे। जागिए, जगाइए, बचाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। UP वालों को फिर से कहता हूँ, पंजाब वालों को फिर से कहता हूँ, गोवा वालों को फिर से कहता हूँ, टीका और कमेंट आया है, बटालियन घूम रही है। सर, एजेंडा 21 आज शिफ्ट हुआ है क्या? आगे नहीं शिफ्ट हुआ है भाई, कंप्लीट हो चुका है एजेंडा, शिफ्ट नहीं हुआ है, कंप्लीट हो चुका है और ये फुल फ्लेज में चालू हो चुका है। कांग्रेस को दीजिए, कांग्रेस को जिताइए, हम उनसे बात कर सकते हैं, उन लोगों को पूछ सकते हैं सवाल। और जहां पे गठबंधन है, जैसे सपा वाले यूपी में, सपा वालों से गठबंधन है, तो सपा को दीजिए मतदान, बीजेपी को मतदान मत कीजिए। बच्चों को बचाना चाहते भविष्य, आप तो लग चुका है, आपकी नैया लग चुके है किनारे, खत्म हो चुका है। जिन्होंने हम दे देते हैं आज, तो इसलिए चलिए, धन्यवाद।